क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कौन ले गया था तुम्हें? मुझे यहाँ से चेतन और राहुल और सौरभ लेके गए थे। जबरदस्ती लेके गए थे? क्या थे लेके गए थे यहाँ से, शादी वगैरह इसके बारे में बोला था चेतन ने, तो चेतन लेके गया था। उसके साथ उसके दो फ्रेंड थे और उसके मतलब आकाश है उसका भाई, उसका चेतन पे पूरा सपोर्ट था। यहाँ से कहाँ ले गए थे तुम्हें? बरखंडी वाली रोड है, वहाँ उसके दोस्त का घर है, चेतन के दोस्त का, वहाँ लेके गए थे। वहाँ कितने दिन रखा था? एक दिन एक रात वहाँ रखा था। उसके बाद? उसके बाद उसके दूसरे घर में रखा था। कितने दिन उनके उन लोगों ने तुम्हें साथ में रखा था? दो दिन। तो कैसे पता चला घर वालों को तुम्हारे के तुम उन लोगों के साथ में हो? घर वालों ने ऐसे ही घर वालों को पता चल गया होगा। तो अब जब तुम वापस आई तो तुमने पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने बोला था जब कोर्ट में मैं जा रही थी तो पुलिस ने बोला था लड़कों के नाम मत लेना बिल्कुल भी, और लड़कों ने भी मुझे पहले धमकाया था, उनके पास गन वगैरह थी, इसीलिए मैंने कोर्ट में दिल्ली जाने की बात बोल दी। क्या क्या कह के धमकाया था तुम्हें? ये बोला था आपके नाना पे मामा पे केस कर देंगे, इसलिए मैडम ने बोला था कि लड़कों के नाम मत लेना। कौन मैडम थी? यही की पुलिस थाने की मैडम थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था लड़कों के नाम मत लेना। अब तुम क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ। तो वो तुम्हें घर से लेके गए थे या तुम अपनी मर्जी से गई थी? घर से लेके गए थे। अब तुमने पुलिस में इसकी दोबारा शिकायत की? पुलिस वालों ने ये बोला अब कुछ नहीं हो सकता, पहले आपने जो बयान दिए बस, और लड़कों को भी लेके गई पुलिस लेके गई थी तो उनको भी पता नहीं, उनके फैमिली ने क्या पैसे भरे क्या भरे, तो उनको भी छोड़ दिए। अभी भी कोई धमकी वगैरह दे रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि आपके घर में मामा को या इनको कुछ कर देंगे, या इनके हाथ पैर तोड़वा देंगे या मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। अब तुम किससे न्याय की गुहार लगाती हो? पुलिस से, प्रशासन से? प्रशासन से। ले गया था कोई उसको, दो लड़के उसने बाद में बताया आई थी तब, दो तीन लड़के उसको लेके गए थे। कौन लड़के थे? एक तो चेतन था हरिपाल का लड़का, और दो लड़के उसके दोस्त थे जो यहाँ पे रहते हैं बरकंडी रोड पर, उसको ले गए थे। उस रात उसको वहाँ पर रखा था कमरे पे बरकंडी रोड वाले पर गोपालपुरा में, उसके बाद दूसरे दिन उसको वहाँ पर लेके गए थे जौरा रोड पर, उसके बाद फिर उसको ग्वालियर करने गए थे। उसके साथ गलत काम भी हुआ है ये भी वो कह रही है। तो इसको लेकर तुमने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी FIR करवाई थी, तो उन्हीं के लोग थे उनको हम लाए थे, तो उन्होंने FIR करवा दी वैसे ही, और उन्होंने ऐसी इधर उधर ड्राप ला के कि वहाँ पर लड़की ग्वालियर है यहाँ पर वहाँ पर, और बस FIR। तो लड़की मिल गई, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? उसके बाद नहीं की है। अब क्या चाहते हो? अब हम उनको लड़कों को अब अपनी वो चाहते हैं, जो लड़की ने बोला है लड़के गिरफ्तार होना चाहिए, उसके लिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्या न्याय चाहते हो आप? बच्ची की जांच DNA होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? अभी कुछ हुआ नहीं है सर, अभी नहीं हुआ है कुछ। लड़की सपोर्टिंग नहीं थी, पुलिस ने क्या कहा था? नहीं की थी उन्होंने, दो लड़कों के नाम बताए थे उनको ले आई बस, पुलिस छोड़ दिया। आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई? आगे वाली कोई कार्रवाई नहीं। वन स्टॉप सेंटर नाम नहीं, वन स्टॉप। आप तो उनका मेडिकल मंगाया हो? वो मैंने, हम पे नहीं आएगा, आपका भी तो फर्ज बनता था सीजी। अरे हमारे पास नहीं आती मनीषा जी, हम बता देते हैं। नहीं क्या नहीं आता, वन स्टॉप सेंटर हमें कोई जानकारी नहीं। आपने जब लड़की नाम ले रही है क्लियर, उन लड़कों के नाम क्यों नहीं FIR दर्ज हुई? जबरदस्ती ले रही है, ध्यान रखें कोर्ट के। आपने जो किया वो सही, अरे हमारी जो कार्रवाई है वो सही है, आप तो ये बताओ। हम ये चाहते हैं कि इसके इनकी लड़की को जो बयान है तो कोर्ट में बोले। आपने मेडिकल नहीं करवाया, हमने सब करा लिया। आपको लड़की DNA कराने को तैयार नहीं करा, नहीं होगा कोई DNA। आपने अपनी मन अब क्या बोल रहे हैं? आपसे हम आपसे बहस थोड़ी ना कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं करोगे, हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे। हमसे बहस तो कोई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसकी लड़की गई है और वो बोल रही है, बाकी लड़की पता है गई है, आइए कैसे आई है वो पता है, कैसे आई आपको नहीं पता? हम आपको नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं गया, हम नहीं बता पाएंगे। आप क्यों कर? हमारा काम है आपसे, आपको काम है इनसे पूछ लो, हम बता देते आपकी बाइट, हम लेंगे, हम बाइट बता देते कब हो, बस खत्म। लड़की कैसे पहुंची? जब हमें नहीं पता लड़की कैसे पहुंची, तो किसने FIR करवाई थी? कोई FIR नहीं हुई, गुमिन साहब ने काम करा 363 कोई FIR नहीं हुई, 363 कायम ही है उनकी तरफ से।
तो और भी तो धाराएं लगती है। की धाराएं लगती है जब मोड़ी के बयान हो गए तो पहली लग जाती है। अरे हमें सिखा रही हो तुम कानून नहीं, भाई तो आप हमें सिखा रहे हो। बस हमें तो बता भाई, हमें 164 के बयान है जो लगा रहे हो कोर्ट में। 164 के बयान दो दिन में ही हो गए। हमने क्या कही, दो नहीं एक घंटा होगा। आपका फर्ज होता आप भी तो करवाते मेडिकल। अरे हमें काय बहस कर रही हो आप, काय को बात छोड़ा ही नहीं किया। चलो छोड़ो, जिनने कही चलो ऐसे भाई, जो एफआईआर लगाया हो जा, वो तो हमें जो करना हो वो हम करेंगे। अब बस हो गया तुम्हारा काम, चलो।